नेताजी, अरे कहाँ है ये घाट फूट लेके बैठे हो? अरे छोड़ो ये बीमारी का चक्कर, वहां कलाकार सब आपकी राह जोत रहे हैं। अरे कंतु भैया, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अमीना, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा वो कुछ पता चला? अरे पता क्यों नहीं देते नेताजी, 6 दिन के पगार काल के मुखिया पैसे आपके सब रखे पड़े, बस 2 मिनट आने का कष्ट कर रहा है आपको। अरे कंतु भैया, यहाँ इस खाट पे बैठे रहने का किसका मन करता है? पता नहीं क्या हो गया, एकदम सहारा शरीर टूट गया। 2 कदम चलता हूं, सांस फूल जाता है, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। अब तो लगता है पहले जैसा नहीं उठ पाऊंगा। अरे जाने भी दो नेताजी, जरा सा नजला बुखार क्या हो गया, आप तो एकदम हिम्मत ही हार बैठे। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझ पे तो भरोसा है नहीं आप। अरे कंतु भैया, तुम पे भरोसा नहीं करूं तो किस पे भरोसा करूं? अरे जाने भी दो भैया, मैं ठहरा बिना मुड़के गाड़ी, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना घर ना गृहस्थी, मुझ पर भरोसा कौन करेगा? वैसे ईश्वर ने तो तुम्हें देने में कोई कमी नहीं रखी थी भैया, पर तुम खुद ही संभाल नहीं पाए। पहली वाली को तब तक डॉक्टर को ना दिखाया जब तक कि उसे चेचक खा गई। तुम ओझा तंत्र मंत्र के चक्कर में ही पड़े रहे, और दूसरी, हाय राम, कितनी सुंदर थी बेचारी, फूल सी बच्ची, बच्चा पेट में ही लेकर मर गया, कोई अस्पताल तक न ले गया। वैसे तुम दोनों की उम्र में भी तो काफी अंतर था ना भैया? अरे सुभरी, अंतर उम्र का नहीं होता, अंतर होता है सारा इस भाग्य का। तेरी और मेरी शादी हुई थी तो कितना अंतर था हमारी उम्र में, तू भी तो बड़ी छोटी थी। अरे रे रे, जाने दो नेताजी, जाने दो, चौधराइन 100% सही बात करे। अब मैं जादू टोने के चक्कर छोड़ के अस्पताल ले जाता तो बच जाती बेचारी। वो नेताजी, मैं कहने ये आया था, तो भूसा बोरों में भरा पड़ा है, बीज भी रखे, कहे तो ले आऊं? अरे नहीं नहीं, तुम काहे को लाओगे? निमो, ए निमो। जी बापूजी। अरे आना इधर। जी आपने बुलाया? हाँ, तो ऐसा कर, कंतु चाचा के साथ जा और जाके बीज और भूसा ले आ। अरे जाने दो रेता जी, बच्ची है, खेल रही है। हाँ, नहीं नहीं, देख तू जा। हाँ ठीक है, मैं वर्दी बदल के जाती हूँ। हाँ पर जरा जल्दी करना। यहाँ तो अंधेरा है। अरे कहाँ अंधेरा है? कंतु चाचा, भूसा कहाँ है? भूसा भी मिल जाएगा, ये है ना, ये है ना चक्का, ये तो रहा भूसा। आप इतने घबराए और हाफ क्यों रहे हैं? कहाँ हाफ रहा हूँ, हाफ क्यों रहा हूँ मैं,
तुम बस ऐसे मेरे सीने से लगे रहे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुझे मालूम है, तुझे मालूम तू कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, माँ भी यही कहती है, स्कूल में मैम भी यही कहती है। तू कितनी सुंदर है, तुझे मालूम है। लेकिन किशोर नहीं मानता, वह कहता है तेरा मुंह तो लंबा है कद्दू की तरह। उसे क्या मालूम, क्या मालूम उसे। अच्छा दे दो, भूसा और बीज कहाँ है? काफी देर हो रही है, घर जाके होमवर्क भी करना है। निम्मो, तू काहे पढ़ाई के चक्कर में अपना माथा रगड़ रही है? एक आध साल में तेरी शादी हो जाएगी, पर काहे का स्कूल और काहे की पढ़ाई? एक साल में 10वीं पास करूंगी, फिर कॉलेज जाऊंगी, शादी करे मेरी जुत्ती। तुझे पढ़ाएगा कौन है? कौन पढ़ाएगा तुझे? क्यों? तेरा बापू तो अब कभी ठीक ना होगा। क्या? हाँ, मेरा बापू बिल्कुल ठीक हो गया है, कल से वह काम पर भी जाएंगे। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे सुनना, पहले पहले किसी को अच्छा नहीं लगता, सब यही कहते, बाद में तू खुद कहेगी कि मुझे ऐसा करो। मैं जा रही हूँ, माँ से कहूंगी कि कंतु चाचा मुझे परेशान कर रहे हैं। सुन तो क्या कर रहा है तू? अरे अरे कांती से देख के चला कर, यो अंधा होके भागेगा ना तो सीधे जाके खाई में गिरेगा। अरे रे 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 रे, कहाँ फंस गया रे, ब्रह्मजी प्राणी के प्रोग्राम में दलवाई कितनी सारी बची है ना। ये नहीं कहेगा सठियाया बुढ़ा है। अरे क्या करूं, अपनी फितरत से मजबूर हूँ, अब तुझे भी तो फुर्सत नहीं मिलती है ना अपने परिवार नियोजन से, है तू ही परिवार कल्याण करती मेरा। अरे तेरे भाग में नहीं है। अरे भाग में नहीं है सच, तभी तो वही करूंगा जो भाग में लिखा है। तेरा वहम जो तू करता है ना वो तुझे ले डूबेगा। तू ही कर देना उद्धार। अरे किसी विधवा का हाथ था, पहले ही दो हत्याएं तेरे सर है। और जो कर लिया फैसला, अभी फैसला कर लिया, अभी तेरा हाथ पकड़कर पूरे गांव में घोषणा करता फिरूंगा है। देख मैं तैयार हूँ। अरे तू भी तो एक विधवा है, है? अरे मेरे पैर पकड़ेगा ना तेरा जीवन सफल हो जाएगा। असल ये अटकेलियां करना छोड़, अपना जीवन सुधार, कोई परोपकार कर जिससे तुम्हें शांति मिलेगी, शांति। अरे मुझे बख्श दे मेरी अम्मा, बख्श दे, कान पकड़ता हूँ। ए कांती सेठ, जैसे बोएगा ना वैसे ही काटेगा, समझा? ये सर का दर्द, एक मिनट छोड़ो। अरे तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा है, जाओ बाहर जाकर खेलो। लेने मुंह दबा दो। अरे क्या कर रही है, ठीक से करना। माँ एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अपने बाबू को क्या बीमारी है? अरे क्या बीमारी है, जरा सी खांसी है, नजला है, सब ठीक हो जाएगा। तब तू क्या पूछ रही है? बस ऐसे ही। क्या कहूँ, तो कभी बीमार नहीं होता। ऐसे तो कभी मैं भी बीमार नहीं होती, पर आज तो ये सब बातें क्यों पूछ रही है निम्मो? वो कंतु कहता था। क्या कहता है? कंतु कहता था कि डॉक्टर की मशीन से पता चला है। क्या पता चला है? कि अपने पापू को कोई बीमारी नहीं। देख साफ साफ कह क्या कह रहा था वो। कुछ भी नहीं माँ। देख अच्छा तो भूसा और बीज लेने गई थी ना, वो नहीं लाई? कहाँ माँ, कंतु से कोई मिलने आ गया, उसने कहा बाद में ले आना। बात क्या है? देख तू जरूर कुछ छुपा रही है। यहाँ देख, तुझे छुआ उसने? रोज होता है माँ, तुम्हारे सामने छूता है,
कभी सर सहलाता है तो कभी गुदगुदी करता है। देख, आज के बाद तू किसी को छूने नहीं देगी। पर क्यों माँ? तू अब सयानी हो चली है। माँ, मुझे भी अजीब लगता है जब कोई मर्द मुझे छूता है, पर ऐसा क्यों होता है? कंतु चाचा भी यही कहते हैं। क्या कहता है? कि तू अब सयानी हो गई है, सुंदर हो गई। नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं है तू, समझी? तो क्या वो झूठ कहता है? झूठ? झूठ नहीं, हे ईश्वर, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? सबको पति की बात बता दी और सच कहते हुए मुझे कोई डर नहीं लगता। ओ लड़की, तो माँ के आंचल में ज्यादा मत रहा, जा मेरे लिए चाय पानी का प्रबंध कर। धन्यो, हमारे जमाने में इधर ना कोई ऐसी बातें कहने वाला था ना ही समझाने वाला। लड़के की आस में एक के बाद एक चार लड़कियां पैदा हो गईं। अरे वो जमाना गया, आजकल लड़का और लड़की एक ही बात है, सिर्फ अपने सोचने पर निर्भर करता है। अगर ढंग से पढ़ लिख लेना तो यही लड़कियां आगे चलकर तुम्हारा नाम रोशन करेगी। जानती है आजकल बड़ी बड़ी पदवियां पा लेती हैं लड़कियां। अरे उसके लिए साधन होने चाहिए, अब एक होती तो कुछ सोचती भी। अरे धैर्य और साहस से काम लो, ये लड़की तेरी सारी चिंताएं दूर करेगी, बस तू घबरा कर इसे खड़े में मत चौंकना। अरे पल्ले में खोटा सिक्का नहीं, और तू कहती है सब कुछ हो जाएगा, कहां से होगा सब कुछ? तू तो हर बात जानती है, मेरी बहन सरीखी है तू। बस धनो, मेरा एक काम कर दे, मेरे निम्बू के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दे, बस। लगता है तेरे पल्ले मेरी बात नहीं पड़ी, तू जानती है तू क्या कहती है। हाँ जानती हूँ क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं, खुद निम्बू जितनी ही थी मैं जब मेरा ब्याह हुआ था। अरे हमारे जमाने तुम्हारे जमाने अलग थे, कोई रास्ता नहीं था, इतनी प्रगति नहीं थी। अपनी डॉक्टरनी दीदी को जानती हो ना, अरे मुश्किल से तुम्हारी उम्र की होगी। नहीं उसकी बात अलग है। क्यों अलग है? हाँ क्यों अलग है? अरे अपने काशीपुर के रामदीन कुमार की बेटी है वो, कुमार की बेटी, किसी बड़े धना सेठ की बेटी नहीं है वो। जानती हो कुछ वर्ष पहले जब उसके बाप ने ना उसके हेडमास्टर के कहने पर उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा, तो सारे गांव ने उसका ये कहकर हुक्का पानी बंद किया कि कटा दी। आज सारा गांव उसी डॉक्टरनी को सिर आंखों पर बिठाए हुए है, उसके कदम चूमता है, उसकी देखा देखी में अपनी बेटियों को स्कूल बेचता है। जानती है तभी तो काशीपुर में आज लड़कियों के लिए एक स्कूल है और एक कॉलेज है। माँ क्या मैं भी बड़े होके डॉक्टर बन सकती हूँ ना? क्यों नहीं बन सकती है? डॉक्टर बन सकती हो, कलेक्टर बन सकती हो, पायलट बन सकती हो, टीचर बन सकती हो, सब कुछ बन सकती है। अरे रहने दे धन्नो, क्यों बच्ची को झूठे सपने दिखा रही है? अरे सपने देखने चाहिए, बहुत बड़े सपने देखने, उन सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर ये लड़की ढंग से पढ़ लिख लेना तो कुछ और न सही, हमारी तुम्हारी तरह अनपढ़ तो नहीं कहलाएगी ना। अरे लड़की जवान होने का यह मतलब नहीं कि घर में आफत आ गई हो। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों का सहारा बने, उनकी समझ को बढ़ावा दे, समझी? तो सच में अपनी बातों से जादू जगा देती है धन्नो, तेरे आने से मन बहुत हल्का हो जाता है। चल चाय तो पी ले।
तरह घाट पकड़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ सोचिए। अरे पता ही नहीं चला ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। एक अकेली यही नहीं है, इन सब का भी पता नहीं चलेगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। देख सुप्री, मुझे तो ये सूझी है कि तू इसका स्कूल जाना बंद कर दे, इसको घर में चूल्हा चक्की में लगाओ। सिर्फ स्कूल ना भेजने से मसला हल हो जाएगा क्या? देखो मेरी मानो तो कोई अच्छा सा लड़का देख अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। मैं जानता हूँ मेरी जिम्मेदारी क्या है, अच्छा सा लड़का देख लो। लड़के का सड़क पर मिलते हैं। गांव भर की पंचायत अपने घर में जमा करना बंद कर दो, बाहर बाहर से निपटा दिया करो सबको। अरे क्या बकवास करती है तू, सारे गांव में क्या बस हम ही लड़की जनी है, हम ही पापी है। ऐसे वैसे लोगों को तो अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी मैं। देख देख चुप हो जा, लड़की जवान हुई है, कोई तूफान नहीं आया है हमारे घर में। पहले नहीं सोचा। किसने सोचना था, मैंने या तुमने? देख वो जो मैं कहता हूँ वो कर, इस लड़की का घर से बाहर जाना बंद कर दे। इतना झंझट करने से तो अच्छा है जो मैं कहती हूँ वो करो। क्या क्या कहती है तू? यही कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले करो और नाक पी पाओ। हो जाएगा। हाँ तुमने कहा और हो गया, हाथ पर हाथ धरे रहने से। अरे जान मत खा मेरी, जा जा उधर चुपचाप हो जा। मुझे लगता है अगर ये रोड पक्का होता तो मेरी साइकिल और तेज भागती, और अगर मैं साइकिल चलाती तो कच्चा पक्का कुछ ना देखती, जट से घर और घर से स्कूल जाती और समय का बचत ही बचत। वैसे साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं, तुम चाहो तो अभी सीख सकती हो। तुम सच कहते हो? हाँ देखो अभी बैठो, थोड़ा सा पैडल लगाना, बस थोड़ा कम बहुत अच्छी बात है, तुम गांव की पहली लड़की हो जिसने साइकिल चलाना सीख लिया। अरे अंकल साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे बहुत बड़ा कमाल किया। अंकल आजकल तो लड़कियां हवाई जहाज और स्पेस क्राफ्ट तक चलाती हैं। कौन सा क्राफ्ट? अरे चाचू चांद गाड़ी जो चांद सितारे तक जाती है, चलाती हैं लड़कियां। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे पास नहीं कहूंगा। क्या कि तुमने किशोर से साइकिल चलाना सीखा है? तो क्या मैं उनसे खुद कह दूंगी और बापूजी से साइकिल भी ले लूंगी। अच्छा तुमने कही और उसने दे दी साइकिल। चलो बस। अच्छा चाचू नमस्कार, हमें देर हो रही है। क्या तो सुनी ऐसी है और कितनी सुंदर है, हे भगवान इसे मुझे दे दे, क्या आनंद आएगा जिंदगी का, और दिन ऐसे गुजरेगा। इसके बाप को तो साला मैं पटा लूंगा, इसकी माँ थोड़ी टेढ़ी है मगर उसको भी मैंने सीधा नहीं किया तो कंधों की जंत का नाम है। तो आपने क्या सोचा साइकिल के बारे में? समझ में नहीं आता तेरे दिमाग में ये साइकिल का विचार आया कहाँ से।
और बड़ी मुश्किल से दो जून का खाना जुटा रही हूँ। पैर ढकने को कपड़े तो पूरे पड़ते नहीं, साइकिल का राग अलाप रही है। मैं तो बस यही पूछती थी, वैसे कितना खर्चा आता होगा? ठीक है, मैं किशोर से ही पूछती हूँ। चुप रह, फिजूल की बातें मत किया कर, किशोर से पूछेगी। अरे जिसका यही काम, उधर का क्या नाम? तेरे पास पैसे रखे हैं खरीदने को? देख तू अपने काम से काम रखा कर, बापू तेरे वैसे ही तुझसे नाराज रहने लगे हैं। क्यों माँ? तू ये बच्चों वाली बातें करना अब छोड़ दे। तू सियानी हो गई है, बड़ी हो गई है। कितनी बार कहेंगे तू बड़ी हो गई है, तू सियानी हो गई है। अगर इतना ही रहता मेरे बड़े होने का तो जन्म पे मुझे क्यों नहीं मार डाला? ये कैसी बातें करने लगी है तू? यहाँ देख, किस कदर जबान लगाने लगी है तुमसे। मैं जानती हूँ अब तुम मुझे तंग आने लगी हो, तुम मुझे फेंकाना चाहती हो। और मैं कह देती हूँ, मैं कोई काट के पुतली नहीं हूँ। मेरे बारे में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। एक बात पूछू आपसे? हाँ कहो। इस गांव में इतनी गरीबी क्यों है? बेटा इसके कई कारण हैं, जैसे सोच का पिछड़ापन, पढ़ाई लिखाई से कतराना, और गांव में खेती बाड़ी के अलावा कोई दूसरा वसीला भी तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर सदियों से चलता आ रहा शोषण। पर अब तो शोषण खत्म हो गया होना चाहिए, अब तो सरकार इतना कुछ कर रही है। बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब खूब पढ़ लिख जाओगे तब धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ तो इलाज होगा इस सब का? मैं डॉक्टर हूँ बेटा, शरीर का रोग देखकर उसका इलाज कर सकती हूँ। समाज में सदियों से बीमारियां भरी पड़ी हैं, उनका मैं और तुम भला क्या कर सकते हैं? माँ मेरी साइकिल बहुत तकलीफ दे रही है, सोचता हूँ इसे बदल दूँ। क्यों, अभी हाल ही में तो ली थी। आपको लगता है हाल ही में खरीदी है? तब भी 1 साल से ज्यादा हो गया, यहाँ रास्ते भी तो कच्चे ऊपर खाबड़ हैं। अभी 1 साल नहीं हुआ, अभी तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। Do you understand? समझ गया, बात बन नहीं पाई, मसला हल नहीं हुआ। कौन सा मसला? बस ये गरीबी वाला। पता नहीं तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे अंदर बहुत काम पड़ा है, मैं अंदर चलती हूँ। मैंने सब पता कर लिया है। किस चीज का? यही कि यहाँ इतनी गरीबी और पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि हम सबके पास साइकिल नहीं है। साइकिल? हाँ साइकिल, तुम नहीं जानते साइकिल से कितने फायदे होते हैं। समय बचता है, समय के साथ साथ घर का सारा काम बांटा जा सकता है। खैर तुम क्या जानो, तुम्हारा साइकिल जो है। Damn it. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ईश्वर
सभी का क्या होगा? मेरी चार चार बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ करूंगा। हाँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बीजू भैया, अरे भैया वहां कहां बैठ रहे हो? हाँ, यहां बैठो। हाँ, अब बताओ कैसी तबीयत है? अरे लाला, तबीयत का क्या है, तबीयत तो बस वैसी ही है। लेकिन लाला, मैंने एक बात कही थी तुमसे, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। भैया मैं क्या जवाब दूं, मैं तो इस धंधे से हार गया हूं। अब नहीं होती मुझसे ये हार, क्या बताऊं? लक्ष्मी तो जैसे रूठ गई है, अपने असामियों की बुरी हालत देखकर रोना आता है, पुराना मांगते शर्म आती है और नया देते संकोच होता है। मैं करूं तो क्या? सरकार कर्ज मांगती है तो उचित है, हमने मांगा तो हम आदमी ना रहे पशु हो गए। अब तो भैया कुल मिलाकर ये धंधा चौपट ही समझो। लाला मैं जानता हूं, मेरे पास देने या दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर कोई 10 पैसे भी मुझे कर्ज दे दे। लेकिन लाला ये गरीब का वचन है, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका कर ही मरूंगा। अरे अरे अरे, मरे तुम्हारे दुश्मन? देख, मैं तुझे एक आसान सा रास्ता बताता हूं, तुम्हारी मुश्किलों का समाधान यूं चुटकियों में होगा। देखो, बुरा मत मानना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हां, निम्मो के बाद भी तुम्हारी 3 लड़कियां और हैं, कितना कर्ज लेगा और चुकाएगा कैसे? तब जब आदमी ऐसे हालात में पड़े तो उसे आपात धर्म से काम लेना चाहिए। आपात धर्म वो धर्म है जो अगर आदमी उसे साधारण समय में करे तो पाप है, अगर असाधारण हालात में करे तो वही धार्मिक और पुण्य कर्म कहलाता है। लेकिन मुझे करना क्या होगा? अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपराध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस तुम्हारी निम्मो बिटिया को थोड़ा बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? अरे घबराओ मत, मैं खुद बेटी का बाप हूं, गलत राय नहीं दूंगा। देखो, तुम कोई ऐसा बर तलाश करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी को उठाए। अगर तुम गौर से देखोगे तो कोई ना कोई महापुरुष ऐसा मिल ही जाएगा। लेकिन भैया जैसे? अरे भैया थोड़ी अकल लगाओ, मैंने तरकीब बता दी है। अरे लेकिन लाला, अपने गांव में तो मुझे एक भी ऐसा लड़का नहीं दिखता जो ये सब करने के लिए तैयार हो जाए। अरे भैया, कौन है ऐसा जो अपना सुख अपना घर बार छोड़कर मेरे पाप अपने मथे मढ़े? क्यों? अरे अपना कांतिलाल, तुम तो क्या बुरा आदमी है, बस एक वही है जो तुम्हारी नैया
पार लगा सकता है। अच्छा तो पसंद है वो तुझे, तो तू तू अपनी बेटी को नहीं बिहाता उससे है? अरे लाला, मैं अपने सारे तन बदन में आग लगा दूंगा, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। जहर दे दूंगा बच्चों को, क्या समझता है? मैं तो ये समझा था कि तू धनवान है, विद्वान है, मुझे कोई ढंग की सलाह देगा, लेकिन तू तू तो दलाल था और रहेगा। अरे भैया गलती हो गई मुझसे, सवेरे सवेरे का समय है, मेरा धंधा चौपड़ मत कर, गलती हो गई, माफी दे दे मुझको। रामराम बिजू भैया, देख अपनी गंदी जुबान से भैया नहीं कहेगा तो मुझे कभी। क्या हुआ भैया, होश में तो हो? अरे अरे ऐसा षड्यंत्र रचने से तो अच्छा था तू कहीं चोले पर पानी में डूब मरता। अरे तो किया क्या है? देख मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे छोड़ो, किया क्या है मैंने? गालियां बकता है, मारने को तो होता है। मुझे गुस्सा नहीं मिला, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारा खून भी कर सकता हूं। तुम मेरा खून करेगा तो खुद फांसी में लटक जाएगा, तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, क्या होगा तेरी जवान बेटी का? गांव के नुक्कड़ पे भीख मांगेगी या शहर जाकर मांस नचवाएगी? ऐसा तो मैं तेरे को खत्म नहीं करूंगा। मुझे मारेगा, उसमें तो है पहले ही तेरा एक पांव कमर में लटका हुआ है, तेरे बच्चे दाने दाने को मोहताज होकर तू कर्म की राह पकड़ेंगे, तब कौन सी इज्जत का मुंह जिक्र दिएगा? एक बात सुन मेरी ध्यान से, जब तूने छपरी से ब्याहना चाहा था तब तो कौन सा कमरू जवान था? तूने उस कमर का सुख नहीं दिया था, तेरे से खुश नहीं रही वो? मैं तो तेरे को जान से मार दूंगा, तो चुप हो जा। देख चला जा यहां से, बुला को। अरे जाता हूं जाता हूं ना, पर एक बात सुन लो ध्यान से, कान खोल कर, मेरे बगैर इस गांव से तेरा मुर्दा भी नहीं उठेगा। तू कुत्ता है, तू कुत्ता, पक्का कुत्ता। अरे जा, बड़ा इज्जत वाला ससुरा है। इस दुनिया में तो लड़की का जन्म लेना ही सबसे बड़ा पाप है। अरे लड़कियां किसके घर नहीं जन्मती, सारी वसीले की बात है। जिनके घर वसीले होते हैं उनको तो कोई मसला नहीं होता, और यहां हम हैं, ये सोच सोच के प्राण सूख रहे हैं कि मैं मर गया तो तुम सबका क्या होगा? अरे देख सुप्री, देखा जाए तो गंतु ने कोई इतनी बुरी बात नहीं कही, अभी बस वैसे ही उबल पड़े। देखा जाए तो गंतु इतना बुरा तो नहीं है। अरे सुप्री मेरी बात सुन, तेरा और मेरा ब्याह हुआ था तो भी तो बहुत छोटी थी, तेरी और मेरी उम्र में भी तो इतना अंतर था। तो मैं भी इतनी छोटी नहीं है, मैं बात करता हूं कंतु से। अरे नहीं नहीं, तू तू लेटा रहे। देख मैं मौके मांगने आया हूं तुमसे, कल मैं बेकार ही उलझ गया। अरे देखा जाए तो तूने कोई गलत बात नहीं कही थी, तुमने तो मेरा भला सोचा था। अरे तुम्हें मैंने तुम्हारा बुरा कब सोचा है?
मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। अरे गरीब औरत की जवानी क्या और उसका बुढ़ापा क्या, उसे तो बस एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसे घर दे सके, उसे सुख दे सके, बच्चे दे सके। लेकिन देख तू, तू मेरी नींबू को दुख तो नहीं देगा? अरे कैसी बातें करते हो नेता, मैं उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता हूं, तुम्हारे सारे परिवार को सुखी रखूंगा, तुमको राजा की तरह जीवन बिताने को मिलेगा। अब मेरा क्या, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना भाई ना बंद ना मां ना बाप, मेरा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। और सुनो नेताजी, तुम्हारी सगी संतान तुम्हारी इतनी सेवा नहीं करेगी जितनी मैं करूंगा। देख कंधो, तो सच कह रहा है ना? अरे तो भैया गंगा जल हाथ में लेकर कसम दिलवा दो, यही कहूंगा। तू अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएगा? नहीं भरोसा तो स्टैंप पेपर लिख देता हूं, जो कहोगे जहां कहोगे वही लिख दूंगा। अच्छा ये खर्चा कितना देगा? 20,000 रुपए। सारे गांव को न्योता दूंगा, सबको बारात में लेके आऊंगा। अरे भाई सबको पता तो चलना चाहिए कि तूने किसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ा है, है? अब लोगों का क्या है नेताजी, जब चाहे जो चाहे कहते रहते, तुमने वही करना है सोच समझ कर जो अपने दिमाग में फैसला करोगे। अरे 16 आने 100% बात की तुमने, लोगों ने आज तक किसके घर देखे हैं, किसके घर पाले हैं? लोगों का काम तो बस बातें करना है। देख तू, तू मेरी तरफ से बात पक्की समझ और देख, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। पक्की बात? पक्की। अब तो भी ठीक है, आज ही पंडित जी से सुबह घर निकलवा देता हूं। तुमने कंतु को हाँ तो कर दी, पर मेरा मन बहुत घबराता है, मन का बहुत काला है। कल को शादी के बाद अपने वचन से मुकर गया तो इस वक्त मुझे कंतु के सिवा कुछ भी नहीं सोचता। वो तिनका भी हाथ से निकल गया ना, हमारी नैया तो डूब गई। देख कंतु पहना सही, अपने खून पे, अपनी बेटी पे तो भरोसा है ना तुझे? वो तो बेचारी कहीं नहीं जाएगी। ये बेचारी काठ की गुड़िया क्या कर पाएगी? तो तुम ही बताओ सबरी, क्या करूं? मार डालो उन सबको, जहर लगे खिला दो। लेकिन वो सबरी, उस अभी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझसे। नीमो तुम यहां बैठी हो, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, आज इतनी देर कर दी, सब स्टूडेंट्स निकल गए। तुम जाओ, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगी। अरे निमो, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ निमो, तुम कुछ छिपा रहे हो? तुमसे क्या छुपाऊं, कुछ दिनों में मेरी पढ़ाई छूट रही है। क्यों? मेरी शादी हो रही है। क्या बात कर रही हो? मेरे माँ बाप मेरी उस कंतु के साथ शादी कर रहे हैं। What? You mean that old man? I'm sorry, Nima. पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? How can they do it? Sure. मुझे बचा लो। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। शादी करना तो धुएं की बात। मैं उसके साथ दो मिनट बैठना भी पसंद नहीं करती। मुझे बचा लो, मेरे बाप की उम्र का आदमी मेरा घर वाला बनने जा रहा है। मुझे बचा लो, मैं शादी करना चाहती। I must do something.
तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। बेटा ये उनका निजी मामला है, वे लोग जहाँ चाहें अपनी बेटी का ब्याह कर सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? यू मीन वो निम्मो की इच्छा के खिलाफ करना चाहें तो उन्हें खुली छूट है? निम्मो का कोई अपना जीवन, कोई अपनी सोच, कोई अपना एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो अभी नाबालिग है मम्मा, कानूनन अभी उसकी शादी नहीं हो सकती। हाउ स्ट्रेंज, आप इस तरह चुप रहकर क्या देख रही हैं? मैं चाहता हूँ कि आप निम्मो की कुछ मदद करें, उन लोगों को रोक ले, पुलिस कानून कोई भी उन्हें ये अपराध करने से रोक ले। बेटा मैं समझती थी तुम अभी बहुत छोटे और नादान से बच्चे हो, किंतु मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी इतने बड़े और सयाने हो गए होंगे। मम्मा प्लीज कुछ कीजिए, आप कुछ कर रहे हैं ना मम्मा? अंदर जाकर एसपी को खबर कीजिए, यहाँ की पुलिस चौकी तो बिल्कुल बेकार है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ के लोग जीवन अपने ढंग और अपने धैर्य से जीते हैं, हम उनके जीवन में घुस के अपना जीवन क्यों चौपट कर ले, ये मैं तुम्हें कदापि ना करने दूंगी। और हाँ तुम इन चक्रों में ना पड़ो, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यहाँ के लोगों के सैकड़ों जमेले हैं, आखिर क्या क्या देखोगे तुम। और हाँ ये देखना गांव के बड़े बुजुर्गों का काम है कि यहाँ कौन कब कैसे कहाँ कर रहा है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़के के पिता से एक बार फिर बात करके देखती हूँ। आप कुछ नहीं करेंगी, आप सिर्फ तमाशा देखेंगी, अपनी बेबसी का गुस्सा कल अपने स्टाफ और मरीजों पर उतारेंगी। बेटा जब से यहाँ आया हूँ यही देख रहा हूँ, पापा होते तो शायद कुछ करते, मैंने आज तक उन्हें कभी मिस नहीं किया, पर आज मुझे आप बहुत असहाय और कमजोर दिख रही हैं। बेटा ऐसे मत कहो, मुझे समझने की कोशिश करो, तुम तो जानते हो हम यहाँ पर अजनबी हैं। नो वे मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, पर मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आई टेक इट ऑल इनटू माय स्ट्राइड, मैं जा रहा हूँ। सुनो किशोर, प्लीज स्टॉप, आई विल डू समथिंग फॉर यू, प्लीज कम। तोबा, अरे क्या जमाना आ गया है सुप्री, आदमी की खाल में भेड़िए बसे रहते हैं, पर तू तो पहले से सयानी थी, बस मेरी ही मती मारी गई। क्या लड़की जलना पाप है? क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? तब तक होता रहेगा जब तक हम रहे आंसू बहाते रहेंगे, आहें बहते रहेंगे और कुछ ना करेंगे। अरे बहन हमें बचा लो, हमें बचा लो रेनू बहन, मुझे तो कुछ भी नहीं सोचता। सबसे पहले तुम निम्मो की शादी का ख्याल दिल से निकाल दो, उसके बाद इसे किसी लड़के से कम मत समझो, इसे सहारा दो, इसकी शक्ति जागृत करने में इसकी मदद करो। अब ये रोना धोना छोड़ के कल सुबह निम्मू को स्कूल भेज दो और उसके बाद ये परिवार कल्याण केंद्र जाएगी, परिवार के हित की बातें कुछ समझेगी, है ना? अगर चाहो तो तुम भी आ सकती हो साथ। अगर ये मेरा हाथ बटा पाई ना तो मैं इसे डॉक्टरनी दीदी से सिफारिश करके नर्स की नौकरी दिलाऊंगी। अच्छा वो सब तो बाद में। सच सच कहती हो दोनों बहन? क्या ऐसा हो सकता है? अरे सिर्फ तुम्हारे कहने भर की देर है। सच बापू, क्या आप मुझे जाने देंगे? अरे मेरे बेटे, मैं तो हमेशा हमेशा से तुम्हारा भला चाहता हूँ, पर मेरा जी घबराता है। घबराना किस लिए माँ? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है मेरी बच्ची, पर दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, पहले ऐसी नहीं थी दुनिया। अरे सुप्री, ये दुनिया पहले फूलों से सजी नहीं थी, बल्कि पहले अधिक जोखिम थे, लेकिन आज औरत हर क्षेत्र में है। पहले अंधेरा था, हाँ मैं मानती हूँ पहले अंधेरा था, लेकिन अब चारों ओर रोशनी है, बस
सिर्फ आंखें खोलकर इस रोशनी को देखो। अरे इस अंधेर कोठरी से बाहर निकलकर देखो और इस संसार का पुरजोर तरीके से मुकाबला करो। तू सच कहती है, तू सच कहती है भैया। मैंने देखा है कि आदमी जितना दबता है लोग उसको उतना ही दबाते हैं। लेकिन देख सुबरी, अब मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं मुन्नू को बस तुम्हारे हवाले कर देता हूं। हाँ। पी लो बापू, इससे कुछ नहीं होगा। अरे कल से तो मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में खोई हुई ताकत वापस आ गई है। मुझे अब अपना हाथ चुस्त रखना है। भला हो उस धनु का। अरे उसने तो मेरे सारे विचार ही बदल दिए। इस दुनिया को देखने का मेरा ढंग ही बदल दिया। कैसा घोर पाप करने जा रहा था मैं। तौबा तौबा, मेरी तो मती मारी गई थी। सच कह रहे हैं आप, धन्नो ने तो हमारी सारी दुनिया ही बदल डाली। एक वो भली औरत है और एक वो मुआ कंतु। बस आज से इस घर में नाम भी नहीं लेगा कोई उस राक्षस का। राम राम दीदी, वो ससुर जी पागला भी ससुर का बड़े खुश नजर आ रहे। अरे क्यों ना, शादी भी हो रही है। तुमने कहा ना होता तो मैं सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रख देता। अभी तो 20,000 रुपए लो। देखो कांतिलाल, तुम चुपचाप ये पैसे उठाओ और यहां से चलते मानो। क्यों, क्या हुआ? तुमने फिर अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? तू एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा मुझसे, बस चुपचाप यहां से निकल जा। अरे तो हुआ क्या? तुझे कहना जरूरी है। बिजू, तुम मेरे सब विश्वासघात नहीं कर सकते। देखो मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है। कपड़े गहने लगते सब मिला के 50,000 रुपया खर्चा कर चुका हूँ अभी तक। अरे कैसा दोस्त है तू मेरा, और तुम मुझसे ये क्या करवाने जा रहा था? तू तो मुझसे मेरी बेटी की हत्या करवाने जा रहा था। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे तुम ये कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आया था तुम्हारे पास पकड़ने। तुमने खुद ही मेरे सामने ये बात रखी थी और अपनी बेटी का सब अटैक किया था। कांतिलाल, जुबान संभाल के बात करो। तुम मेरे बापू को कमजोर समझ के होंगी, बेबसी का फायदा उठा रहे हो। मैं कोई गाय या बकरी नहीं हूँ जिसे तुम पैसा देके खरीद लो। आज मैं तुम पे थूकती हूँ। मैं तेरे ये चलाकी नहीं चलने दूंगा बिजू। सुन ले तू, अगर मुझे पैसे देने आते हैं तो पैसे वसूलने भी आते हैं। हाँ, मुझे तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं, ना शादी से। मेरे पैसे लौटा दे। अरे तुम्हारे ये पैसे लिए किसने? वैसा ना, मैंने इस शादी की तैयारी में पूरे 50,000 रुपए खर्चे। पूरे 50,000? तो मैंने कहा था तेरे को पैसे खर्चने के लिए, खुद खर्चे हैं तूने। तू क्या सोचता है मैं तुझे ऐसे जाने दूंगा? ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। हाँ, अरे क्या क्या कर लेगा रे तू? अच्छा तो ये बात है, मैं दिखाता हूँ। अरे तू क्या समझता है मैं तुझे ऐसे जाने दूंगा? 50,000 रुपए खर्चे मैंने, 50,000। और फिर तेरी एक चम्मच से लो भाग के आ जाएगी, लौट के इधर ही आएगी, फिर देखना उसकी क्या हालत करता हूँ मैं तेरे सामने। बिरजू, तूने आज तक सुना है कि कांतिलाल राक्षस है, अब तू अपनी आंखों से देखेगा कि राक्षस क्या होता है। हाँ, अरे उससे पहले तो मैं अब तेरे को क्या मारेगा मुझे? रे कांतिलाल, अरे तू क्या है, कोई फौजदारी कर रहा है क्या? अरे नहीं साहब, हम क्या फौजदारी करेंगे। 50,000 रुपए लिए थे मुझसे और आज 20,000 रुपए लौटाने की बात थी, वो भी नहीं लौटा रहा और मेरे 20,000 और भी छीन रहा था। साहब से जवान लड़ाता है, कानून सिखाता है, मार मार के भूसा भर दूंगा। सर बता क्या बात है? बस बस,
कांतिलाल, इस लड़की और इस लड़के ने हमें सारी बात सुनाई, लेकिन मैं अब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने उस शरीफ आदमी को 20,000 रुपये दिए तो किस खुशी में? उधार साहब, उधार? कोई लिखा पढ़ी? लिखा पढ़ी तो नहीं साहब, मगर नहीं होती ना, नहीं होती। कोई गवाह? नहीं सब, गवाह गवाह तो नहीं। हाँ, पर बहुत रंग बदलता कांतिलाल, इस लड़की के बयान पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सर हमने क्या किया सर? हमने तो बस मदद करने की कोशिश की थी और कुछ नहीं, उल्टा देखिए हमें बता रहे। कांतिलाल, ये लड़की तुमसे उम्र में छोटी है या बड़ी? सब वो तो बच्ची है, ना समझ है? ना समझ है वही तो। ये लड़की, ये लड़की तो फूल जैसी है, मासूम है, नाजुक है। अरे लड़की तो तुम्हारी पोती की उम्र के बराबर है। कांतिलाल, तुम्हें शर्म नहीं आई? इससे ब्याह रचाने का ख्याल तेरे मन में आया तो आया कैसे? तुमने एक असहाय बाप, एक निर्धन बाप, उसकी लाचारी का फायदा उठाकर इस लड़की के निजी जीवन में हस्तक्षेप किया। इतना नहीं, इसकी पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ा सो अलग। अरे तुम जैसा समाज का कोर तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। ले चलो सर, ले चलो। अरे सब ले चलो, तुम्हें क्या किया सर? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बीजू काका, अरे ये पुलिस का फर्ज, इसमें मैंने कुछ खास नहीं किया। और सुनो, तुम यहां से सुकून जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा, अब तुम समाज में सिर उठा के जी सकती हो, चल सकती हो। जय राम जी की। जय राम जी की। ये नहीं कहेगा। स्टार्ट 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 से मैं रोज छूता है। फिर से करो वो डॉक्टर ने। हेडमास्टर ने नहीं, ये बहुत बड़ा डायलॉग है। तौबा, क्या हुआ? सच? हाँ हाँ, मैं दूसरा दे रहा था डायलॉग। अच्छा, चिड़िया की हमें बचा लो दोनों बहन। ऐसे हाँ। किया था हमें। रोल, एक्शन। अरे दोनों बहन, हमें बचा लो। कट, हमें बचा लो पे आपने ऐसे किया। अच्छा अच्छा, दिस इज प्रेरणा और ये एक्सलेंट। यू शुड बी कैन यू मैनेज रोलिंग। शादी की सारी तैयारी कर चुका हूँ। फिर देंगे कांतिलाल, इस लड़की